एक्चुअली क्या हुआ है कि इससे पहले हमारी लास्ट नाइट को सारी बहनें हमारे मेरे साथ हमारी रूम में ही सोई हैं, तो राघव जी थोड़ा छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे आई लव यू बोलने की कोशिश कर रहे थे, और मैं थोड़ा नाटक कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो। तो उस चीज़ का बदला निकाला जा रहा है कि रात को तुम्हें समझ नहीं आया था ना, तो अभी वो मुझे सबके सामने बुलवाना चाहते हैं आई लव यू। तो ये मैंने छेड़खानी की थी, मगर वो शायद थोड़ा बुरा मान गए, तो अब वो मुझे तंग कर रहे हैं कि मुझे सबके सामने उन्हें आई लव यू कहना पड़ेगा, वो भी जोर से, इशारों में भी नहीं। वो तो मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी वाला कहा था कि वो मेरे कान के जो झुमके में जो बाल लटके वो निकाल दें, वरना वो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो नई नई शादी है, ऊपर से देर से अगर नीचे पहुंचूंगी तो ससुराल में लोग क्या सोचेंगे कि बहू तो उठती ही नहीं है। नहीं, मैं भी अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ, राघव जी भी अपनी सालियों से बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ, उनकी मम्मी जी को ये गुस्सा जरूर है कि अपना सारा ध्यान अपनी बहनों पे लगाती है, तो मेरे बेटे को शायद प्यार ना दे पाए, उसका ख्याल ना रख पाए, तो सासू माँ को थोड़ी टेंशन जरूर है इस बात की।